इन दिस स्लाइड हमें ये पढ़ना है कि जो बादलों में जो गरजाहट होती है, बादलों से बिजली चमकती है, बिजली क्यों चमकती है, बिजली हमारे अर्थ तक कैसे आती है, इन सबको थोड़ा सा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। बहुत ध्यान समझना, तभी समझ में आएगा। और कुछ प्रीवियस स्लाइड्स की चीज़ें भी यूज़ करनी, खास तौर से चार्जिंग बाई फ्रिक्शन एंड चार्जिंग बाई इंडक्शन, करेक्ट। सो यहाँ पर होता क्या है कि नॉर्मली जो हमारे क्लाउड्स होते हैं, जो बादल होते हैं, वो मूवेबल कंडीशन में होते हैं। जब मूवेबल कंडीशन में होते हैं तो एक बादल दूसरे बादल के साथ रब करता है, रब करता है तो फ्रिक्शन जनरेट होता है। फ्रिक्शन जनरेट होता है तो क्या होता है, एक बादल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, दूसरे बादल से इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इसका मतलब वो बादल क्या हो गए, चार्ज हो गए। वहाँ पर क्या डेवलप हो गया, चार्ज। और जो भी आपके क्लाउड्स या जो बादल होते हैं उनकी जो सिचुएशन होती है वो कुछ इस तरीके से हो जाती है। इस तरह की सिचुएशन का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पर ये। और इस तरह सिचुएशन होने के बाद एक कंडीशन और होती है जो कि अभी थोड़ी सी कम अंडरस्टैंडिंग में रहेगी। बस इतना रहेगा कि बादलों में जब भी चार्ज डेवलप होता है ड्यू टू द चार्जिंग बाई रबिंग और चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, तो उस चार्ज में दो चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा, क्लियर। तो ये कहा जाता है कि उस क्लाउड में जो पॉजिटिव चार्ज रहता है ये उस क्लाउड के वर्टिकली हाइट पर चला जाता है, और जो नेगेटिव चार्ज रहता है ये यहाँ पर इस तरीके से ये नीचे की ओर चला आता है। ये बात समझ में आ रही है। और जैसे ही आपका ये यहाँ से नीचे की ओर आ गया, ये अब यहाँ पर क्या है, ये वो क्लाउड है जो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बाद इस तरीके से पूरा हो चुका है, क्लियर। अब यहाँ पर हमारी अर्थ है। अब यहाँ से एक बिजली कड़कती है और कड़कते हुए सीधे कहाँ पर आती है, आपकी अर्थ सर्फेस। तो बिजली अर्थ सर्फेस पर क्यों आई, तो बच्चा ध्यान समझना कि ये जो अर्थ है, ये अर्थ कैसा है आपका, एक कंडक्टर। ये बात समझ में आ रहा है। और ये बादल भी क्या है आपका, चार्ज हो चुका है। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन लगाओ, इस कंडक्टर के पास कौन सा चार्ज आ रहा है आपका, ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है। कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। तो नो डाउट अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये अर्थ के किन चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा। और अगर ये पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब ये है कि इसका नेगेटिव चार्ज सीधे किसके पास चले जाएंगे, अर्थ के पास चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट। चार्जिंग बाय इंडक्शन में ही पढ़ते थे भाई कि जब एक चार्ज बॉडी को अपन एक अनचार्ज बॉडी के पास ले जाते थे, चार्ज बॉडी के पास उस बॉडी पर अपोजिट चार्ज डेवलप होता था, यही होगा। और अगर ये क्लाउड की कंडीशन है जिसमें नेगेटिव चार्ज, मैं कह रहा हूँ, वर्टिकली डाउनवर्ड शिफ्ट होता है और पॉजिटिव चार्ज वर्टिकली अपवर्ड शिफ्ट होता है, यहाँ पर इसका इस तरीके से ओरिएंटेशन होता है, तो अगर ये डाउनवर्ड है, यहाँ पर एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स निकल कर किधर चले आते हैं, आपके अर्थ में चले आते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जब निकल के अर्थ में आ रहे होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, तो वही कहलाती है आपकी बिजली का गिरना। ये बात समझ में आ रहा, तो कुछ और नहीं होता बल्कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम क्लाउड टू क्या होता है आपका, अर्थ होता है। अब ये हमारे लिए कैसे डेंजरस हो सकता है, कभी कभी क्या होता है आपका ये कि जैसे जितने भी बड़े बड़े चर्चेज होते हैं, सपोज दिस इज़ द चर्च, इन चर्च के ऊपर एक क्रॉस का साइन लगा रहता है, और वो जो क्रॉस का साइन रहता है वो मेटल का रहता है। तो जब मेटल का रहता है तो जब भी बिजली जाती थी नेगेटिव थी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज थी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, सीधे यहाँ पर आ गए। जब यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर इस पूरे चर्च को इसने क्या कर दिया आपका, ये डिस्ट्रॉय कर दिया। ये बात समझ में आ रहा है। एंड द वन मोर थिंग, जो भी बिजली कभी भी गिरती है, जो भी लाइटनिंग होती है, वो हमेशा कंडक्टर के मिनिमम सरफेस एरिया को ही क्या करती है आपका, कवर करती है। मिनिमम सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ध्यान समझना यहाँ पर ये कि इस तरीके से ये सपोज एक चर्च, इस चर्च पे क्या किया गया, क्रॉस का साइन तो रहता है ये चर्च में ऊपर की ओर, क्लियर। चर्च या बहुत कोई भी हाई स्टोरी बिल्डिंग है, जैसे कि 10 फ्लोर 15 फ्लोर की स्टोरी बिल्डिंग है, तो वहाँ पर बिजली गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि बादलों के क्लोज कौन रहता है, वही रहता है, और जो जितना क्लोज रहेगा उस पर बिजली गिरने के चांसेस उतने ज़्यादा रहेंगे, क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, एक रॉड बनाई गई और उस रॉड को इसके ऊपर और लगा दिया गया, और इस रॉड को बोलते हैं लाइटनिंग रॉड, लाइटनिंग रॉड। और इस रॉड से एक वायर निकाल के सीधे किस में डिप कर दी गई, अंदर अंदर अर्थ पर डिप कर दी गई। तो अब होगा क्या कि जो भी बिजली आएगी यहाँ से यहाँ तक, जो भी बिजली आएगी यहाँ से यहाँ तक, इस लाइटनिंग रॉड पर आएगी। लाइटनिंग रॉड के कारण किसके पास चली आएगी, अर्थ के पास, और अर्थ पूरी की पूरी बिजली को अपने अंदर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, उससे इस बिल्डिंग को कोई भी लॉस नहीं होगा। ये बात इतनी समझ में आ रही है। तो ये होती है लाइटनिंग। तो लाइटनिंग के दौरान क्या होता है, स्काई से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं किधर की ओर, अर्थ की तरफ, जिसको हम लाइटनिंग बोलते हैं। वो इलेक्ट्रॉन अर्थ की तरफ ट्रांसफर होते हैं, या अर्थ के पहले ही उन्हें कोई कंडक्टर मिल गया तो सीधे उस कंडक्टर पर क्या हो जाते हैं आपके, ये ट्रांसफर हो जाते हैं। ये बात समझ में आ रहा है। आपने कभी बहुत बड़े बड़े ट्रक देखे हैं, खासतौर से कौन से ट्रक, इंडियन ऑयल पेट्रोलियम वाले, जो टोटली पैक्ड रहते हैं बाहर से, उनके पीछे आप देखना तो उनमें पीछे एक वायर रहती है जो लगातार अर्थ के साथ किस में रहती, कॉन्टैक्ट रहती। वो इसलिए रहती है, उसके दो रीज़न होते हैं, ध्यान समझना ही, कि सपोज अगर ट्रक पर कभी भी बिजली गिरी
तो वो बिजली ट्रक बॉडी को क्या कर दी, डिस्ट्रॉय कर देगी। तो उसके डिस्ट्रॉय होने से पहले उसकी बॉडी से अटैच जो वायर है वो वायर अर्थ से लगी हुई, तो वो पूरी की पूरी चार्ज किस में चला जाएगा, अर्थ में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, जब ट्रक मूव कर रहा होता है ट्रक की बॉडी एयर के साथ फ्रिक्शन में होती, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के कारण भी ट्रक की बॉडी क्या हो जाती है, आपकी चार्ज हो जाती है। और जब ट्रक की बॉडी आपकी चार्ज हो जाती है तो चार्ज होने से उस चार्ज को अर्थ पे कौन ले जाएगा, वही रॉड जो लगातार, जैसे मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ, ध्यान समझ नहीं, ये सपोज आपका कोई एक ट्रक है इस तरीके से, क्लियर, ये कोई ट्रक है, ये ट्रक का सेल है, इस सेल के अंदर पेट्रोल, मैं कह रहा हूँ यहाँ से एक वायर रहती जो इस तरीके से अर्थ के साथ लगातार कॉन्टैक्ट में रहती, लूजली बाउंडेड वायर रहती, लगातार कॉन्टैक्ट में रहती, क्लियर। होगा क्या कि जब ट्रक इधर जाएगा तो एयर के कारण इसमें क्या होगा, चार्जिंग हो जाएगी। सपोज ट्रक पर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया आपका, ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता जा रहा है, डेवलप होता जा रहा है, डेवलप होता जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज खूब ढेर सारा डेवलप हो गया जितना, क्योंकि ट्रक चलता जा रहा है, चलता डेवलप होता जा रहा है। भाई जितने ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेंगे ये पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर ये पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये पॉजिटिव ट्रक की बॉडी के अंदर है, और इसका मतलब ट्रक की बॉडी अंदर से एक दूसरे को रिपेल करेगी, ट्रक की बॉडी क्या हो जाएगी, खींची खींची रहेगी, टेंशन में आ जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, और वो पेट्रोलियम या फ्यूल क्या हो जाएगा, ब्लास्ट कर सकता है। इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चार्ज को हम किसी भी तरीके से यहाँ से हटाएं। तो दो पर्पज़ हैं, अगर इसके ऊपर लाइटनिंग आई तो चार्ज इस बॉडी से होता हुआ अर्थ में चला जाए, और अगर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के कारण इस पर चार्ज डेवलप हो तो वो भी अर्थ में चला जाए, तो ये भी सेफ होता है। नॉट इन ट्रक बट इन एरोप्लेन ऑल्सो एक वायर होती है, या इस एरोप्लेन के जो व्हील होते हैं ये पार्शियली कंडक्टिंग मटेरियल्स के बनाए जाते हैं। ये पार्शियली कंडक्टिंग मटेरियल्स के क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि जब ये एरोप्लेन जाता है तो इस पर भी चार्ज आपस में डेवलप होता रहता है। जब एरोप्लेन लैंड करता है तो लैंड करने से वो जो टायर होते हैं वो अर्थ के साथ कांटेक्ट में आते हैं, अगर वो कंडक्टिंग है तो पूरे के पूरे एरोप्लेन की चार्ज को किस में भेज देता है आपकी, वो अर्थ सरफेस पर भेज देता है, उस प्लेन को क्या कर देता है आपका, वो अनचार्ज कर देता है, क्लियर। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ ये, कि ऐसे ही एक बार पानी बरस रहा था ये, क्लियर, और बादल भी गरज रहे थे, लोगों को पता ही नहीं था कि बादल के अंदर चार्ज भी होता, क्लियर। तो एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम था आपका ये, दैट इज़ योर बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इस बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, एक पतंग उड़ाई, एक पतंग क्या किया इसने, ये उड़ाई और बहुत ऊपर उड़ाई, उन पतंग को जो है सीधे उसने बादलों के अंदर इंसर्ट करा दिया, और जो उड़ा रहा था, ध्यान समझना, ध्यान समझना, किस धागे से, वही धागा जो आपका चारपाई बिनने में जो धागा यूज होता है, जिसको सुतरी बोलते हैं, क्लियर, ठीक है। इसकी जो काइट थी, इस तरीके की जो काइट थी, ये जो इसकी जो तीलियाँ थी, इन तीलियों को इसने जो है कंडक्टिंग रॉड से बनाया था, और यहाँ पर इस रॉड को इसने ऊपर वाले को लंबा, मतलब जैसे अगर इस तरीके की ये पतंग है, इस तरीके की ये, अगर ये काइट है तो ये रॉड है, ये वुड है, ये भी वुडन ब्लॉक है, ऊपर इन्होंने एक आयरन का पीस लगा दिया था, और यहाँ से बिल्कुल बांध के इसको जो है ये आराम से जो है इसको हैंग करके यहाँ से उड़ा रहे थे। तो यहाँ तक जो थी वो सुतली वाली रस्सी थी, फिर इसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर जहाँ सुतली की रस्सी ख़त्म हुई, इनके हाथ के पास ही इन्होंने एक चाबी लटका दी, चाबी किसकी थी, लोहे की थी, और फिर इसके बाद सिल्क की रस्सी से इन्होंने क्या किया, पतंग को उड़ाना शुरू किया, बाद में सिल्क की रस्सी लगा दी, क्लियर। क्योंकि जब पानी बरस रहा था हर चीज़ वेट था, ये भी वेट था, ये भी वेट था, ये कंडक्टर था, जैसे ही इस कंडक्टर इस स्काई को क्या हुआ, ये कंडक्टर दिखाई दिया, तो उसने बिजली किसके ऊपर गिरा दी, इस कंडक्टर के ऊपर गिरा दी, क्योंकि इसके सबसे क्लोज कौन था, पतंग थी, सबसे क्लोज कंडक्टर पतंग था, क्लियर, इसने बिजली गिरा दी। तो अब चूंकि ये सब कुछ वेट हो चुका था, तो यहाँ से ये चार्ज ट्रांसफ़र होकर कहाँ तक आया आपका, ये यहाँ तक आया, जब यहाँ तक आया, अच्छा, सिल्क एक ऐसा मटेरियल जो प्योर इंसुलेटर, उस पर कोई भी चार्ज फ्लो नहीं किया, तो ये चाबी कैसी हो गई, पूरी चार्ज हो गई। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपना हाथ इस चाबी के आसपास ले जाया जाए, तो उनको हल्के हल्के चार्ज का क्या हुआ आपका, ये एहसास हुआ, ये बात समझ में आ रही है। तो जब एक बहुत ही हाई चार्ज बॉडी के पास, जैसे कि एक स्केल से रब करो, स्केल से रब करने के बाद पेपर के पास, पेपर को अट्रैक्ट कर लेती, तो वैसे ही हुआ ये कि जब इस चाबी के पास इन्होंने अपना हाथ ले गए, तो अपने हाथ को जब देखा इन्होंने, ये इस चाबी ने इनको हाथ को अट्रैक्ट करने की कोशिश की थी, इन्होंने ये समझा कि भाई इसके पास चार्ज आ गया। अब चार्ज कहाँ से आया, ये तो पतंग उड़ा रहे थे, चार्ज आया इस क्लाउड से गिरने वाली बिजली के कारण, ये बात समझ में आ रहा है। तो इसको प्रूव भी किया गया, दैट इज योर बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इस तरीके से हैं कि कभी भी जब बिजली कड़कती है तो अर्थ तक आती है, तो इसका मतलब क्लाउड से इलेक्ट्रॉन चल के कहाँ पर आए, और सरफेस पर आए। अब वो चलते हैं, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें चाहिए कंडक्टर। किस टाइप के कंडक्टर, मिनिमम सरफेस एरिया वाला कंडक्टर। भाई वो वहीं गिरते हैं, उसके अलावा कहीं जा ही नहीं सकते। पहले के चर्च वगैरह जो थे, इस तरह क्रॉस साइन लगता है,
ये निपट जाते थे, नहीं बचते थे, लेकिन अब के बच जाते क्योंकि उसके ऊपर एक रॉड लगा दी जाती है, दैट इज सेट टू बी योर लाइटनिंग रॉड, मिनिमम सरफेस एरिया, और ये एक वायर के थ्रू अर्थ से कनेक्ट होती है, तो जितना चार्ज आएगा उस वायर के थ्रू चार्ज कहाँ चला जाएगा, पूरा आपके अर्थ सर्फेस पर चला जाएगा। क्या ये फिनोमेना समझ में आया? डन। इससे भी इंटरेस्टिंग एक फिनोमेना और आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एक फिनोमेना भी देखते हैं ध्यान से, लेकिन इसके पहले जो पेट्रोलियम टैंक वाला मैंने बताया क्यों रॉड रहती है, तो उसका रीज़न ताकि क्योंकि जब चार्जिंग वाली रबिंग से चार्ज डेवलप होता है तो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो उसकी बॉडी खींचने लगती, खींचते खींचते हो सकता है ब्लास्ट कर जाए, इसलिए उस चार्ज को ग्राउंड तक पहुंचाने की रिस्पांसिबिलिटी अपनी है, इसलिए उसको वायर से कनेक्ट करते हो। दूसरा पर्पज भी है कि अगर बिजली भी गिरती तब भी किस में चली जाए आपकी, दैट इज वो ग्राउंड में चली जाए। एरोप्लेन के जो टायर होते हैं वो पार्शियली कंडक्टिंग मटेरियल के क्यों बनाए जाते हैं, वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि एरोप्लेन जब लैंड करे तो एरोप्लेन पर प्रेजेंट जो चार्ज है वो चार्ज पार्टिकल के इसमें चले जाए, सीधे सीधे आपकी और सरफेस पर मूव कर जाए। क्लियर। फिर यहाँ पर अपन एक छोटा सा टॉपिक और कवर करने की कोशिश करते हैं, दैट इज योर इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन मास। चार्ज का मास पर इफेक्ट क्यों पड़ता है? सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि किसी भी एटम के पास मास क्यों होता है, क्योंकि इसका आंसर है क्योंकि एटम किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चा आपका, ये इसका मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है, वो इनके पास मास होता है। इलेक्ट्रॉन के पास कितना मास होता है, 9.1 × 10⁻³⁻ किलोग्राम। प्रोटॉन के पास कितना मास होता है, 1.6 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। सिमिलरली न्यूट्रॉन के पास भी लगभग इतना ही चार्ज होता है। सबसे हल्का कौन इलेक्ट्रॉन, सबसे भारी कौन न्यूट्रॉन, बीच में कौन प्रोटॉन। बट प्रैक्टिकली या काम चलाओ लैंग्वेज में प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, सेम होता है। ठीक। तो सबसे हल्का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ही बार बार आता जाता है क्योंकि सबसे हल्का भी होता है, इसका ईजी ट्रांसफर भी इधर उधर किया जा सकता है। अब ध्यान समझना है, ऑब्जेक्ट के पास मास क्यों होता है, चार्जेस के कारण, क्योंकि चार्जेस के पास खुद का मास होता है। ठीक। अब यहाँ बहुत ध्यान समझना ही, सपोज़ ये एक बॉडी, इस बॉडी को अगर मैंने इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो इसका मास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गया इलेक्ट्रॉन निकला मास कम हो गया, मास क्या हो गया इसका, कम हो गया। सपोज़ ये बॉडी, इसका मतलब अगर बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो उसका मास ओरिजिनल बॉडी से क्या हो चुका है, कम हो चुका है। अगर हमने इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया तो भाई बाहर से चार्ज पार्टिकल मिला, इसका मास क्या हो गया, बढ़ गया। ये बात समझ में आ रही है? एक सोप बबल है, क्लियर, साबुन का बुलबुला है कि सरफेस पर रखा हुआ है। ठीक। अगर अपन इसको चार्ज प्रोवाइड कर दें, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर, इस बबल की रेडियस पर क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान सुनना इसको, इलेक्ट्रॉन दोगे तो इसकी सरफेस पर कौन आता जाएगा, इलेक्ट्रॉन आता जाएगा, इलेक्ट्रॉन ढेर सारे इलेक्ट्रॉन इधर से भी इधर से हर तरफ से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो ये सरफेस खींचेगी, खींचेगी तो इसका साइज बढ़ेगा। समझ में आ रहा है, ये कोई प्रॉब्लम इसमें? दूसरा, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तब इसके साइज पर क्या फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपकी बार कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तब भी इसकी साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कि बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन मास, कि भाई चार्जिंग के कारण ऑब्जेक्ट के मास तो चेंज होते हैं, करेक्ट, होते ही होते हैं, उसमें कोई दूसरा या तीसरा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, द सिंपल कॉन्सेप्ट इन द फिजिक्स की कॉन्सेप्ट एक ही होता है, उसको बोलने के तरीके अलग अलग होते हैं। क्लियर। एंड द सेकेंड वन, द एग्जाम्पल ऑफ योर सोप बबल, इस तरह कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको बुक में मिलेंगे, और आई होप आपको थोड़ा बहुत कुछ तो शायद समझ में आया होगा, बाकी तो फिर आपके वर्किंग जब आपसे मुलाकात होगी तो फिर क्लास में फिर से पढ़ना ही इसे, तो उम्मीद करता हूँ शायद थोड़ा बहुत समझ में आया, 5-10%, जितना भी समझ में आया कमेंट करके मुझे बताना कितना समझ में आया। ओके, बाय बाय।